दोस्तों, पुजारा और धवन में से कौन सा प्लेयर बड़ा और अच्छा खेलता है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। भारत और श्रीलंका के बीच कैंडी के मैदान पर खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में शिखर धवन ने एक बार फिर से श्रीलंकाई गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। धवन ने एक बार फिर से शिखर को छूते हुए सेंचुरी जमा दी। इस टेस्ट सीरीज में ये उनका दूसरा शतक रहा। वहीं धवन के टेस्ट करियर का ये छठा सैकड़ा रहा। शिखर ने कैंडी के मैदान पर गब्बर स्टाइल में अपना शतक पूरा किया। इस शतक को जमाने के लिए उन्होंने 107 गेंदों का सामना किया और इस पारी के दौरान उनके बल्ले से 15 चौके भी निकले। इस पारी की मदद से वो मौजूदा टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इस मैच से पहले चेतेश्वर पुजारा शिखर धवन से आगे थे। धवन इस पारी में 119 रन बनाकर पुप्पकुमारा की गेंद पर दिनेश चांडीमल को कैच थमा गए। धवन ने शतक जमाने के बाद बिल्कुल अलग अंदाज में जश्न मनाया। उन्होंने चौका जमा कर अपना शतक पूरा किया और फिर अपना बल्ला और ग्लव्स जमीन पर रखकर ड्रेसिंग रूम की तरफ अपने दोनों हाथों से विक्ट्री साइन बनाते हुए जश्न मनाया और अपने शतक को सेलिब्रेट किया। मौजूदा सीरीज में ये उनका दूसरा शतक रहा और इस शतक के साथ ही वो श्रीलंका में सैकड़ा जमाने के मामले में सचिन तेंदुलकर के बाद संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर आ गए हैं। श्रीलंका की धरती पर ये धवन का तीसरा शतक रहा। उनसे पहले पुजारा और सहवाग भी तीन तीन शतक लगा चुके हैं। इस मामले में पहले स्थान पर रहने वाले सचिन ने श्रीलंका में 5 शतक जमाए थे।